हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो ऑटोशूप आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2023 में सबसे पहला नया लॉन्च दोस्तों ये फेसलिफ्ट है एक छोटा सा अपग्रेड है बट गाड़ी की लुक्स में फीचर्स में प्राइस में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे नई ट्वेंटी ट्वेंटी हेक्टर अपने साथ क्या लेके आ रही है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अब ऐड ऑन कर दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें पुरानी जनरेशन के साथ कैरी ऑन करी गई हैं दोस्तों एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट और इस गाड़ी की भी कॉस्ट में कुछ इंक्रीमेंट आना तो मेरे को पॉसिबल लग रहा है बट इस वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए कि अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑलरेडी आ चुका है और क्या कहीं एम ने कमी छोड़ दी है कुछ और अपग्रेड्स के लिए बाकी दोस्तों दो में ये गाड़ी आई थी इंडिया के अंदर 2021 में इसे मिला पहला अपग्रेड 2023 में ये इसका दूसरा फेसलिफ्ट है और अब जहाँ तक है ये लास्ट अपग्रेड रहने वाला है हेक्टर का इसके बाद अब एक नई जनरेशन हेक्टर ही हमें देखने को मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं 2023 में एमजी ने क्या क्या प्रोवाइड करा दिया है हमें हेक्टर के अंदर Till I get up, time is barely on our side. सबसे पहली चीज ये जो कलर आप नोट कर पा रहे हैं दोस्तों ड्यून ब्राउन कलर है और ये कलर पूरी तरह से नया है एमजी हेक्टर के अंदर उसके बाद फ्रंट फेसिया में अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं पूरी तरह से बदल दी गई है और ये डायमंड मैश ग्रिल है क्लोज़ लुक पे जाते हैं तो सेंटर में होल्ड करता है एम का लोगो उसके नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम स्टडिंग देखने को मिलेगी और ग्रिल के अगर सराउंड की बात करता हूँ तो पूरे में आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और और नीचे की तरफ जब आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे स्किट प्लेट अब क्रोम में फिनिश्ड है और यहाँ पे आपको दिया गया है एक रेडार क्योंकि आप यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोनॉमस लेवल टू के ड्राइविंग फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं खैर फीचर्स की अभी आगे बात करेंगे अब आ जाते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ तो दोस्तों इंडिकेटर्स इस टाइम ऑन है जो कि सिक्वेंशल हैं और यही काम करते हैं अपने एल ई का हेडल सेटअप की तरफ अगर आ जाऊँ तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पियानो ब्लैक और क्रोम दोनों का ही टच है डुअल प्रोजेक्टर एल ई डी दिए गए जो कि सिमिलर कैरी ऑन किए गए और नीचे दिए गए आपको एल में फॉग लैम्प्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल क्रोम और पियानो ब्लैक का, का काफ़ी अच्छा यूसेज है और अब और ज़्यादा अप मार्केट प्लश और प्रीमियम ये कार आपको दिखाई देती है साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाए तो सबसे पहली नज़र जो आपकी जाएगी वह जाएगी इन व्हील्स की तरफ व्हील्स पे आ जाते हैं तो दोस्तों ये जाने पहचाने व्हील्स हैं और पुरानी एम जी हेक्टर में भी यही व्हील्स आपको देखने को मिलते थे गुडियर के टायर्स हैं टू वन फाइव फिफ्टी फाइव आर एटीन थ्री सिक्सटी डिग्री क्लैडिंग आपको देखने को मिल रही है और बोनेट एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं चलिए अब आ जाते हैं फुल साइड प्रोफाइल की तरफ और ये ड्यून ब्राउन जो नया कलर इस वेस्ट लिफ्ट के साथ आपको दिया गया है ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं ओ की तरफ तो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरास की प्लेसमेंट ग्लास एरिया पहले की तरह ही है और साइड प्रोफाइल में कोई बहुत ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स या चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं डोर हैंडल्स की बात करें तो दोस्तों क्रोम का हल्का सा टच है रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर दे दिया गया है और नीचे की क्लैडिंग की अगर बात करें तो ब्लैक के साथ साथ क्रोम में मॉरिस ग्राजिस की बैजिंग कर दी गई है उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो फ्यूल फिलर कैप राइट साइड में आपको दिया गया व्हील अराउंड क्लैडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा ही दी गई है और कलर आपको एक बार री वेरीफाई करा देता हूँ तो ये देखिए हेक्टर ड्यून ब्राउन कलर सी ट्रांसमिशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ तो दोस्तों रेयर में भी आपको थोड़े से अपग्रेड्स देखने को ज़रूर मिलेंगे और ऊपर से शुरू करते हैं तो दोस्तों रूफ की बात अभी आगे करेंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिया गया है रेयर में डी फॉगर के साथ वाइपर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है और पहले सिर्फ यहाँ तक के टेल लैम्प्स आपको मिलते थे बट अब जॉइनिंग टेल लम्प भी आपको दे दिए गए हैं एम का लोगो है यहाँ पर नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा और पूरी क्रोम एक टेल लाइट्स के नीचे अंडरलाइन करती हुई आपको दिखाई देगी ब्रांडिंग या बैजिंग की बात करें तो हेक्टर अब कुछ इस फॉर्मेट में लिखा दिखाई देगा और राइट साइड में आपको अडास की बैजिंग मिल जाएगी नीचे आ जाते हैं बम्पर डिज़ाइन की तरफ तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर टाइप की फिनिश देखने को मिलेगी रिवर्स लैम्प मिलेंगे स्किट प्लेट अब क्रोम में हो चुकी है और एग्जॉस्ट अगर आपको दिखाऊं तो रियल एग्जॉस्ट यहाँ पे प्लेस्ड है कुछ इस तरह से प्लस रेयर पार्किंग सेंसर्स तो इस गाड़ी के अंदर आते ही हैं अब आ जाते हैं दूसरी साइड से तो यहाँ से शायद आपको सबसे अच्छा कलर का जस्टिफिकेशन हो पा रहा होगा दोस्तों अब आपको लेके आ गया हूँ वापस से आगे की तरफ हेड हेडलैम्प मैंने कर दिया ऑन और ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आप, आप देख सकते हैं बाकी दोस्तों इसका नाइट ड्राइव रिव्यू या ड्राइव रिव्यू वगैरह आने में अभी टाइम है तो मैंने पुरानी हैक्टर का ड्राइव रिव्यू आपको दिया हुआ है चाहे डे हो चाहे नाइट हो उसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और हेडलाइ्स वगैरह वही कैरी ऑन करे गए हैं तो आप चाहें तो एक नाइट एस्पेक्ट लेने के लिए उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डायमेंशनस की तो सबसे पहले जो इस टाइम आपको दिखाई दे रही है गाड़ी की विड्थ तो दोस्तों इस गाड़ी की विड्थ है वन एट थ्री फाइव एम एम की अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में और साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो है लेंथ तो वो फोर सिक्स डबल फाइव एम की दी गई है बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करता हूँ तो वन नाइनटी टू एम की अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस आती है इस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक आप देखेंगे ओपन है और ये पेट्रोल गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ तो सिक्सटी लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है इस गाड़ी में और लास्टली बात रह गई है हाइट की तो इस गाड़ी की हाइट है अराउंड वन सेवन सिक्स ज़ीरो एम की चलिए ये तो बात हो गई डायमेंशंस की फेस लिफ्ट वगैरह में डायमेंशन में कोई खास मेजर चेंज तो नहीं आता है बट अगर कोई चेंज हुआ तो फ्यूचर वीडियोज़ में आपको बता दूँगा अब बात करते हैं इंजन की तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आपको जाना पहचाना इंजन दिखाई देगा और अंडर हुड हो चाहे इनर लाइनिंग हो सभी जगह इंसुलेशन यहाँ पे दे दी गई है और इंजन पर कर दी गई है टर्बो की बैजिंग तो हुड एरिया मैंने कर दिया है बंद और अब आपको बताता हूँ इसके इंजन ऑप्शंस जो कि है पेट्रोल इंजन तो दोस्तों इसके अंदर आता है एक 1.5 पॉइंट फाइव लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो कि आपको अभी मैंने दिखाया हुड ओपन करके उसकी अगर स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक सीवीटी डीसीटी और साथ में आपको ऑप्शन मिलता है हाइब्रिड का उसके अलावा बात करते हैं पावर फिगर्स की तो अराउंड वन फोटी और टू फिफ्टी का टॉर्क आपको पेट्रोल के अंदर देखने को मिल जाता है वहीं अगर बात करते हैं डीज़ल इंजन की तो दोस्तों टू लीटर डीज़ल इंजन आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर और ये शेयर किया जाता है इस गाड़ी के बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ ओवरऑल टू लीटर डीजल आपको अभी तक पुरानी फेस में तो सिर्फ मैनुअल के साथ ही अवेलेबल था बट अब एक्सपेक्टेशन है कि ऑटोमेटिक में आएगा ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है एमजी के द्वारा वो इंजन आपको अराउंड 170 सेवेंटी और 350 फिफ्टी का टॉर्क प्रोवाइड करा देता था चलिए ये तो हो गई बाहर की एक्सटीरियर की बातें अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ दोस्तों इंटीरियर पर जाने से पहले दिखा देता हूँ कि क्या चाभी के अंदर भी कोई अपग्रेड आपको मिल रहा है तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं वही टिपिकल एम की की आपको देखने को मिलती है और क्लोज लुक पर आ जाऊँ तो ये गाड़ी अपने आप अनलॉक हो चुकी है रिक्वेस्ट सेंसर भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ी है चलिए अब अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ नई है और क्या क्या चीज़ पुरानी है जो कि रिटेन करी गई है सबसे पहले चाबी को रख देता हूँ आपके सामने अंदर और एक बार आप लुक ले सकते हैं पूरे इंटीरियर की ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इस गाड़ी का डोर पैनल से शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आप देखेंगे ट्विटर्स की प्लेसमेंट और इन्फिनिटी के स्पीकर्स और ट्विटर्स अभी भी रिटेन करे गए हैं यहाँ आ जाते हैं तो एक और ट्विटर की प्लेसमेंट इन साइड डोर हैंडल आपको मेटल में देखने को मिलेगा यहाँ पे विंडो लॉक चार पावर विंडोज ड्राइवर साइड ऑटो लॉक अनलॉक यहाँ पे आपको एक सेट सिल्वर टाइप की फिनिश मिलेगी बाकी लेदर की बात करें तो ये हार्ड प्लास्टिक है बट जितना भी ओक वाइट कलर में आपको दिख रहा है वो है लेदरेड यहाँ पे परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड दोनों ही लेदर का यूज़ किया गया और यहाँ आप देखेंगे स्पीकर्स के सराउंड में तो आपको क्रोम या सेट एंड सिल्वर टाइप की फिनिश मिलेगी बॉटल होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं यहाँ आप देखेंगे तो एम जी गेस कफ प्लेट्स आपको दी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं तो माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी लाइटिंग कम है यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फुट रेस्ट और पेडल्स प्लेसमेंट आप देख सकते हैं हुड और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ एक कभी होल और राइट साइड में आपको मिलते हैं ओवर वी के कंट्रोल्स हेडलैम्प लेर और आपकी ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के साथ साथ बूट रिलीज का बटन दोस्तों पावर टेलगेट दिया गया है इसके अंदर अब बैठ जाता हूँ अंदर और फिर शुरू करते हैं स्टेरिंग के साथ और तो दोस्तों बात आ गई है स्टेयरिंग की बट सबसे पहले अंदर बैठ के जो काम हम करते हैं वो आपको करके दिखा देता हूँ और सबसे बड़ा चेंज एम जी एक्टर के इंटीरियर का आपको इस टाइम दिख पा रहा होगा तो दोस्तों पूरा डैशबोर्ड एक नए डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है और यहाँ की हाईलाइट है ये नया फोर्टीन इंच का टच स्क्रीन सिस्टम चलिए गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट और ये आप देखेंगे काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन है खैर इंजन वगैरह की तब बात करेंगे जब गाड़ी को चला लेंगे डिटेल में अभी आप देखिए किस तरह से यह गाड़ी स्टार्ट होती है तब तक हम बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की तो दोस्तों लेदर रैप्ड स्टेरिंग व्हील है और आपको काफी सिमिलर दिखाई देगा जो ऑन गोइंग या करेंट हेक्टर अभी तक इंडियन मार्केट में आ रही थी बट यहाँ पे कंट्रोल्स में काफ़ी सारे एनहेंसमेंट्स हो गए हैं और वो एनहेंसमेंट्स में क्या चीज़ आई है तो दोस्तों अडैस वगैरह के कंट्रोल्स अब यहाँ पे एड ऑन कर दिए गए हैं राइट साइड के कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी काफ़ी स्मार्ट है और वॉइस कमांड्स वगैरह की भी बात अभी करता हूँ बट यहाँ पर आपको दिया गया ओवरऑल मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स और एम के भी यहाँ पे बटनस दिए गए हैं और लेफ्ट साइड में आपको कुछ नए और एडिशनल बटन मिल जाते हैं साथ ही क्रूज़ कंट्रोल स्टेयरिंग एडजस्ट की अगर बात करूँ तो ट्रिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है और अब बात करते हैं इसकी तो आपका स्पीडोमीटर अब फुल्ली डिजिटल हो चुका है और लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स राइट साइड में आपको मिलते हैं अपनी हेडलाइट के कंट्रोल्स अब बात करते हैं एम की तो दोस्तों एम के अंदर कॉमन ही फीचर्स आते हैं सब गाड़ियों के अंदर और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं क्या क्या चीज़ें मिस कर दी गई हैं वो सभी चीज़ें अभी आपको बता दूंगा बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आई एयरपोर्ट के पास का वेदर ये मेरे को बता रही है क्योंकि अभी करेंटली मैं आरोप में इस गाड़ी को शूट कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मेरे को दिया गया फ्यूल मीटर राइट साइड में दिया गया टेम्परेचर मीटर और ओवरऑल लेफ़्ट साइड में आरपीएम मीटर और राइट right साइड में स्पीडोमीटर गाड़ी अभी चली है फोर्टी टू किलोमीटर्स रेंज है वन एटी नाइन किलोमीटर्स की और उसके अलावा ट्रिप ए सेंटर में काफ़ी अच्छे से हाईलाइट लाइट होके आ रहा है खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं और अब आ जाते हैं अपने इस बड़े से टच स्क्रीन सिस्टम की तरफ जो कि पोर्ट्रेट में और अराउंड फोटीन इंचज़ का आपको दिखाई देगा दोस्तों इस टाइम आपको मैप माई इंडिया का ग्लोब यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से टॉगल कर सकते हैं बट इसकी डिटेल्स पे आएंगे अभी आगे सबसे पहले आप वाइड एंगल में इसकी एम्बियन लाइट्स का लुफ्त तो उठाइए कि किस तरह की लगती हैं क्योंकि पुरानी एम हेक्टर की भी एम्बियन लाइट्स मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी अब सबसे पहले आप देखेंगे तो टच स्क्रीन सिस्टम के फीचर्स अभी आपको आगे दिखाता हूँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको दे दिया गया गियर नॉब पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और रिवर्स कैमरा कैसा दिखाई देता है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप रिवर्स कैमरा में यहाँ पे क्लोज एनवायरनमेंट में है गाड़ी और मेरे को डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे दिखाई दे रही है अब नो no मैटर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट आपको ऑन कैमरा दिख रही है क्योंकि हैक्टर को रिव्यू करे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ आप देखेंगे तो एक इको मोड का बटन दिया गया और ये गेयर लिवर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स उसके अलावा नीचे आ जाते हैं कंट्रोल्स की तरफ तो यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स की पोजिशनिंग चेंज हुई है ए सी मैक्स हज़ार लैम्प और ट्रैक्शन कंट्रोल ये कुछ बटन्स यहाँ पे दे दिए गए हैं और सेंटर में आ जाएँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड पार्किंग असिस्ट और ये आप कुछ इस तरीके से डोर के साथ क्लोज या ओपन कर सकते हैं माफी चाहूँगा बाकी यहाँ आमरेस अगर आप देखेंगे तो आमरेस्ट अब स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आ रहा है और आमरेस के अंदर कुछ इतनी स्पेसिंग और 12 वोल्ट पावर सॉकेट आपको मिलता है तो अब दोस्तों सेंटर कंसोल की फिनिश आपने देख ली यहाँ पे आपको सैटिन टाइप के मटेरियल का यूसेज देखने को मिलेगा और वेंटिलेटेड सीट्स मैंने अभी कर लिया ऑन अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के सबसे बड़ी हाईलाइट की सबसे बड़े चेंज की और सबसे बड़े अपग्रेड की यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फोर्टीन इंच का जो पोर्ट्रेट टच स्क्रीन सिस्टम है इसके सराउंड में आपको सेट सिल्वर का टच मिलेगा और क्लैरिटी विजिबिलिटी वगैरह फिजिकली काफ़ी अच्छी लग रही है कैमरा में उतनी चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पाती हैं यहाँ आप देखेंगे तो आपको ग्लोब दिखाई देगा मैप माई इंडिया के थ्रू ये सारा सेटअप चल रहा है और सेटिंग्स की तरफ अगर आ जाए तो दोस्तों लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है बट वॉइस की अगर मैं बात करता हूँ तो पांच लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं इंग्लिश हिंदी मराठी पंजाबी और तमिल बैक चलते हैं और डिस्टेंस और टाइम बाकी मैप अपियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको लाइव ट्रैफिक के साथ चाहिए या नहीं चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं उसके अलावा ड्राइवर असिस्ट में अगर बात करूँ तो स्पीड लिमिट सेफ़्टी कैमरा अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग द रूट और ट्रैफिक साइंस गाइडेंस डेस्टिनेशन प्रडिक्शन ये सभी फ़ीचर्स इसके अंदर आते हैं अभी अडास् की भी बात करूँगा उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं और रूट सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं कौन से रोड्स आपको अवॉइड करने हैं कौन से पिक करने हैं लाइव ट्रैफिक अलर्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए फ्यूल कॉस्ट एस्टिमेशन तक ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देती है तो अब और ज़्यादा स्मार्ट हो गई है ये हेक्टर रीसेट टू तो डिफ़ॉल्ट और अबाउट दोस्तों ये तो कुछ ऑप्शन हो गए कैमरा हालांकि मैंने आपको दिखा दिया था बट उसकी बात अभी आगे दोबारा करेंगे अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोड वगैरह जनरेट करके एक ग्रुप में अपनी कार को एंजॉय कर सकते हैं और सभी ग्रुप मेंबर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और अगर कोई आपकी लाइव लोकेशन वगैरह जानना चाह रहा है तो उसमें भी आपको एक हेल्प हो जाएगी उसके अलावा चलते हैं बैक पे माफी चाहूँगा दोस्तों स्क्रीन बहुत बड़ी है तो उस हिसाब से टच रिस्पॉन्स अभी तक समझ नहीं आया बट ओवरऑल टच काफ़ी फ्लूड लग रहा है और आप चाहें तो इस मैप को कुछ इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं जो कि आपकी लाइकिंग के हिसाब से होगा हालांकि अभी इंटरनेट यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा है इस चक्कर में चीज़ें थोड़ी लैक कर रही हैं बाकी आ जाते हैं नेविगेशन म्यूज़िक एंड्रॉड ऑटो इसके अंदर वायरलेस मिलेगा और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस मिलेगा ऑटो तो ए सी वगैरह के कंट्रोल्स यहीं आ जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों आपको सन रूफ वगैरह अगर ओपन करनी हो तो दोस्तों यहाँ टिपिकल कंट्रोल्स तो दिए गए हैं बट उसके साथ साथ आप इसको टेन परसेंट चाहते हैं ट्वेंटी परसेंट चाहते हैं उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं या ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं उसके अलावा लैम्प की अगर बात करें तो दोस्तों फॉलो मी होम हेड लैम्प्स आपको कितनी देर चाहिए किस तरह से चाहिए वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं तीस सेकेंड पचास सेकेंड सेवेंटी फाइव सेकेंड फाइंड माई कार हो गया उसके अलावा अगर आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों एम्बियट लाइट अब एम्बियट लाइट मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ किसी भी कार के अंदर तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो अभी आप जो देख रहे हैं बेसिकली यहाँ से चेकआउट करिएगा कलर चेंज हो रहे हैं और एक एक कलर आपको दिखा देता हूँ तो कूल cool ब्लू उसके अलावा वार्म ब्लू ग्रीन वाइट एम्बर रेड पर्पल और येलो उसके अलावा आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं कि कितनी देर कौन सा कलर चलेगा विंडोज की सेटिंग्स की तरफ आ जाएं तो दोस्तों पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की इस ऑप्शन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं लॉक अनलॉक की बात करें तो दोस्तों आपको कई सारी स्मार्ट सेटिंग्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज और कितने परसेंट आपका टेल गेट ओपन होना चाहिए उसके अलावा साइड मिरर्स में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन आता है वाइपर्स आपको पता है वाइपर मेंटेनेंस वगैरह भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है वायरलेस फोन चार्जिंग अभी आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ पर ऑलरेडी वायरलेसली चार्ज हो रहा है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसके अलावा अगर आप आ जाएँ तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि शायद कैमरा में उतने अच्छे से जस्टिफाई ना हो पाए बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें दिखा पाऊँ समझा पाऊँ तो यहाँ पे रेडियो ब्लूटूथ सेटिंग्स फोल्डर मीडिया एसी, सी व्हीकल सेटिंग्स डिवाइस मैनेजमेंट 360 डिग्री कैमरा और ऑनलाइन फंक्शंस भी मिलते हैं सेटिंग्स में एक बार चल लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि इस टाइम इंटरनेट एक्सेस गाड़ी को उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है बाकी दोस्तों यहाँ पर जनरल ब्लूटूथ वॉलपेपर वगैरह अगर आप चाहें तो अपने मन का भी लगा सकते हैं या फिर इस गाड़ी के अंदर ऐड वगैरह कर सकते हैं यू से उसके अलावा वाई वॉइस कमांड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तो ये कुछ ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि कुछ चीज़ें मैं अभी इतनी देर में भी मिस कर गया आऊँगा क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं जो शायद आपने एक गाड़ी से एक्सपेक्ट किए हों या ना किए हों वो मुझे नहीं पता है अब 360 डिग्री कैमरा एक और बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके का सेटअप है यहाँ पे और 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी में मेरे को एनहैंसमेंट तो ज़रूर दिख रही है भले ही अभी भी ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट ना हुआ होगा चलिए कैमरा को करते हैं बंद और अब आ जाते हैं डैशबोर्ड की फिनिशेस पे तो दोस्तों यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक और सैटिन सिल्वर मिल रहा होगा यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड दिया गया और ये कंटिन्यू होता है पूरा टच स्क्रीन के पीछे से यहाँ तक यहाँ पर आपको स्टिचिंग भी दिखाई दे रही होगी उसके अलावा यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है पियानो ब्लैक सेट एंड सिल्वर बीच में आ जाता है और ए सी वेंट्स के डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिल रहा है एम्बियन लाइट्स का कलर चेंज होते हैं आप देख पा रहे हैं ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइडेड है और पैसेंजर साइड अगर बात करूँ तो वही ब्लैक और ओक वाइट फिनिश आपको देखने को मिल रही है बाकी पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह वहाँ पर दे दिया गया है ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सनशेड में एल लाइट दे दी गई है मिरर के साथ यहाँ पर आपके सनरूफ के टिपिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसे आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो डिमिंग आई आर वी एम आपको दिया गया ड्राइवर साइड अगर आपको ले आऊँ तो यहाँ भी लाइट विद मिरर प्रोवाइडेड है बाकी दोस्तों सनरोफ को कर देता हूँ ओपन और आप देखेंगे तो इसे मैनुअली मैंने आपको बता दिया कि पार्ट वेज में भी आप ओपन कर सकते हैं बाकी सीट्स की अगर बात करें तो सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे, वहाँ से बताते हैं आपको बाकी चीज़ें बाकी एक बार आप लोग दोबारा ले सकते हैं फ्रंट इंटीरियर्स का और अब चलते हैं बैक सीट की तरफ वहाँ दिखाते हैं आपको बाकी डिटेल्स तो दोस्तों रेयर डोर पैनल पर अगर आ जाऊँ तो यहाँ आप देखेंगे ट्विटर की प्लेसमेंट मेटल में इनसाइड डोर हैंडल सेट सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलेगी जो कि स्ट्राइप्स के साथ है पावर विंडो के कंट्रोल्स लेदर का टच यहाँ भी प्रोवाइडेड है स्पीकर के सराउंड में आपको अगेन सेट एन सिल्वर बॉटल होल्डर और स्कफ़ प्लेट्स यहाँ पे दे दी गई हैं रेयर सीट्स की अगर बात करूँ तो ये गाड़ी आपको फाइव सिक्स और सेवन सीटर ऑप्शन में मिलेगी आप जानते हैं हेक्टर और हेक्टर प्लस के नाम से यहाँ पे भी परफोरेटेड सीट्स हैं तीन हेडरेस्ट प्रोवाइडेड हैं एक आमरेस्ट प्रोवाइडेड है जो कि काफ़ी ब्रॉड है और यहाँ आप देखेंगे तो स्कफ प्लेट्स प्रोवाइडेड है अब बैठ जाता हूँ अंदर और अंदर से बताते हैं आपको बाकी डिटेल दोस्तों अब आ गया हूँ रेयर सीट में सीट बैक में पॉकेट्स दी गई हैंगरोम आप देख सकते हैं मेरा इंटीरियर का लुक आप यहाँ से ले सकते हैं और नीचे आ जाऊँ तो ए वेंट्स में अगेन सेटन सिल्वर और पियानो ब्लैक का टच नीचे आपको पावर सॉकेट और एक कबी होल उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट्स जो कि एल में साथ ही ग्रैब हैंडल और कोर्ट हुक प्रोवाइड करा दिया गया और ओवरऑल यहां से आप देखेंगे तो सनरूफ का व्यू आपको इस सीट से सबसे अच्छा देखने को मिलने वाला है चलिए अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ और वहां दिखाते हैं आपको बाकी चीजें बाकी यहाँ पे बूट ओपन कर देते हैं आप तो इलेक्ट्रॉनिक बूट रिलीज यहाँ पे दिया गया और ये पहले से हेक्टर के अंदर आ रहा था अब बूट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 587 एटी लीटर्स का बूट स्पेस राइट साइड में आपको बूट लैम्प प्रोवाइड करा दिया गया है और यहाँ पे आप अपनी पार्सल ट्रे को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करके प्लेस कर सकते हैं ये आप देखेंगे जिससे आपको प्रॉपर कवरेज मिल पाए यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ी सी पार्सल ट्रे डिसजस्ट हो रखी है उसके अलावा स्पेयर व्हील वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ अंडर बॉडी में लगाया गया है चलिए अब करते हैं बूट को बंद और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की दोस्तों आप बात करते हैं कुछ सेगमेंट डिफाइनिंग फीचर्स की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है आई स्मार्ट हब जो कि काफी सारे ऐप्स और कनेक्शंस के थ्रू आपको काफी सारे कनेक्टेड फीचर्स प्रोवाइड कराता है साथ ही एम्बियट लाइटिंग जो मैंने आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाई वो वॉइस ऑपरेटेड है और काफ़ी ज़्यादा काम की रहती है क्योंकि दोस्तों वॉइस ऑपरेशन से ज़्यादा कन्वीनियंट शायद ही गाड़ी में कोई चीज़ हो सकती है उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों कनेक्टेड कार फीचर्स अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में सबको अपनी गाड़ी में चाहिए और इसके अंदर कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं सेवेंटी प्लस उसके अलावा सनरूफ मैंने आपको दिखा दिया कि आप इन्फोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल कर सकते हैं बाकी वॉइस कमांड्स की अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा इंग्लिश वॉइस कमांड्स इस गाड़ी के अंदर आती हैं और उसके अलावा ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए डिस्कवर ऐप इस गाड़ी के अंदर दिया गया है जो कि अगेन मैंने आपको दिखा दिया है उसके अलावा दोस्तों लास्ट चीज़ जो कि आपको जाननी ज़रूरी है और पुरानी किसी हेक्टर में ये चीज़ आती भी नहीं थी वो है आपका ऑटोनॉमस लेवल टू अब दोस्तों ऑटोनॉमस लेवल टू में क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आ गई हैं वो आपको बता देते हैं तो सबसे पहले चीज़ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उसके अलावा बी सी यानी कि बैंड क्रूज असटेंस उसके अलावा नेक्स्ट लेन डिपार्चर वार्निंग और उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों लेन कीप असिस्ट अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हुई लग रही होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक लग रही होंगी उसकी डिटेल्स भी अभी आपको देता हूँ उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ट्रैफिक जैम असिस्टेंस दोस्तों ये आपको बहुत नया लग रहा होगा और ये अभी तक किसी भी गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं है उसके अलावा इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल दोस्तों यहाँ ऑटो हेडलैम्प नहीं है थोड़ा सा डिफरेंट है तो जब गाड़ी चलाएंगे तो अडेस के सभी फ़ीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे सेफ डिस्टेंस वार्निंग दी गई है इसके अंदर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग दी गई है और साथ ही ऑटो एमरजेंसी ब्रेकिंग उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंस दी गई है और लास्ट यानी कि अपने ग्यारहवें फीचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आता है ए ई बी यानि कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं इसके ऑटोनॉमस ड्राइविंग लेवल टू के अंदर यानी कि अडाश लेवल टू के अंदर और लास्ट चीज़ आपको बता देते हैं वर्डिक्ट पे जाने से पहले इसके अंदर आती है अब डिजिटल की जो कि अब आप शेयर भी कर सकते हैं कि नहीं भी दो लोगों के साथ और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाती है तो दोस्तों देखा आपने इस एम जी हेक्टर ट्वेंटी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड कोशिश करिए एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर से लेके सभी डिटेल्स आपको दे दूँ अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे प्राइजिंग तो दोस्तों अभी ये गाड़ी प्रॉपर लॉन्च नहीं हुई है ऑटो तो एक्सपो में उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको भी प्रॉपरली दिखा दी जाएगी फिजिकली और लॉन्च भी कर दी जाएगी वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी अभी तक नहीं आई है हालांकि ये श्योर है कि ये गाड़ी आपको फाइव सिक्स और सेवन सीटर ऑप्शन में मिलेगी हेक्टर और हेक्टर प्लस के नाम से उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों प्राइजिंग अभी तक जो चल रही थी उससे डेफिनेटली लाख रुपये के आसपास अपग्रेड आना चाहिए नीचे के वेरियंट्स में और दो लाख रुपये के आसपास अपग्रेड आना चाहिए ऊपर के वेरियंट्स में तो एक्सपेक्टेड प्राइजिंग की अगर बात करूँ तो साढ़े पंद्रह लाख रुपए के आसपास एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है और टॉप एंड जा सकता है बाईस साढ़े बाईस लाख रुपए तक ओवरऑल फीचर्स अपग्रेड के हिसाब से देखें या नए प्रीमियम एडिशंस की तरफ़ देखें तो मेरे हिसाब से प्राइस कहीं ना कहीं अब भी जस्टिफाइड लग रहा है और बाकी जब तक चलाते नहीं हैं गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपना वर्डिक्ट मैं नहीं दे पाऊँगा जब चलाएँगे तब इसकी बात और डिटेल में आपके साथ कर लेंगे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में इसके हैं टाटा की हैरियर और टाटा की सफारी उसके अलावा महिंद्रा की एक्स यू बाकी प्राइस क्लैश कई गाड़ियों से होता है इसका बट मैं उन्हें इसका प्राइमरी कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद